मंडी एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी हैदराबाद के कोठे की है, जो सोसाइटी के लिए तो आँख की किरकिरी है, पर इसी में समाज के कई काले राज भी दफन हैं। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके हाथ गंदे हैं। कोठा इस समाज का एक ऐसा जीवाठंग है कि इसे काट कर कहीं भी फेंक दो, फिर से पनप जाती है, बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे ड्रामे को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुप्ता इस शहर का एक बड़ा बिल्डर है। उसे प्रॉपर्टी बनाना और बेचना बहुत अच्छे से आता है। एक दफे उसने शहर से बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी, बिल्कुल वीरान और बंजर। कहते हैं यहाँ बाबा खड़क शाह नाम के किसी पीर की दरगाह है, पर यह जगह इतनी बंजर और वीरान है कि बाबा को चादर चढ़ाने कोई भक्त भी नहीं आता है। आखिर गुप्ता ऐसी जगह पर जमीन खरीद कर करेगा क्या? गुप्ता ने जमीन के मालिक से 2 लाख की जमीन 35,000 और कुछ रुपए में खरीद ली। जमीन के मालिक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गुप्ता जी ने आखिर इस जमीन को खरीदा ही क्यों, पर जो भी हो उससे क्या, पैसे मिल गए, फायदा हो गया। इधर दूसरी तरफ शहर के प्राइम लोकेशन में एक कोठा है। इसकी मालकिन रुक्मणी बाई है। उसने इस कोठे में कई लड़कियों को जगह दे रखी है। यहाँ धंधा भी पूरे जोर शोर से चलता है। रुक्मणी बाई खुद को कलाकार कहती है, जो गाने और नाचने का काम करती है, पर असलियत इससे कहीं आगे है। यहाँ जिस्म भरोसी भी खूब फल फूल रही है। यहाँ शहर के कई नमूने आते हैं। इसमें से एक फोटोग्राफर राम गोपाल है, जो कोठे में केवल इसलिए आता है कि यहाँ की लड़कियों की नंगी तस्वीरें खींच सके। तस्वीर खींचने के लिए वो किसी के कमरे में भी घुसने की हिम्मत रखता है, बाथरूम में ताका झांकी कर सकता है, मार खाए चाहे जलील हो जाए, उसे अपने काम से मतलब है। इसी तरह का आदमी हवलदार है, जो अपनी ड्यूटी का ज्यादातर समय यहीं कोठे में बिताता है और बेशर्मी से कहता है कि उसकी ड्यूटी यहीं लगी है। हर किसी की तरह हवलदार की नज़र भी कोठे की गायिका जीनत पर है। जीनत एक वर्जिन है और कोठे का सबसे नायाब हीरा है। उसके आवाज के तो कई साहब टाइप लोग भी दीवाने हैं। रुक्मणी बाई ने जीनत को बचपन से पाला है। वो यहाँ काम करने वाली एक प्रोस्टिट्यूट रिहाना की बेटी थी। उसके मरने के बाद रुक्मणी ने जीनत की देखभाल की। ये कोठा जीनत के लिए किसी घर की तरह है। उसने तो इस कोठे के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। यहाँ कोठे में लड़कियों के साथ एक आदमी टुंगरुस भी रहता है, जो एक तरह से कोठे का दरवान, नौकर, पहलवान सब कुछ है। दिन भर वो रुक्मणी की गुलामी करता है, उसके कहे हर ऑर्डर का पालन करता है, लेकिन रात में दारू पीकर रुक्मणी को गालियां बकता है, जी भर के कोसता है, पीठ पीछे भलाई और बुराई का लेक्चर देता है, पर अगले दिन फिर से गुलामी चालू। एक सुबह श्रीकांत नाम का एक दलाल रुक्मणी के कोठे में आता है, साथ में एक लड़की भी लाया है। नाबालिग है, अभी अभी ही शादी हुई है। श्रीकांत एक नंबर का फ्रॉड है, गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाता है और शहर में काम दिलाने का झांसा देकर बेच जाता है। आज वो फुलमणी नाम की एक लड़की को साथ लाया है। बेचारी गूंगी है, अपने साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ चीख भी नहीं सकती है, लेकिन पहले उसे मालूम तो हो कि उसके साथ क्या धोखा हुआ है। उसे पता भी नहीं है कि यहाँ लड़कियाँ क्या काम करती हैं। रुक्मणी बाई ने 4,000 रुपये में फुलमणी को खरीद लिया, लेकिन उसे भी पता नहीं है कि श्रीकांत ने एक गूंगी लड़की पकड़ाकर उससे 4,000 रुपये ठग लिए हैं। लेकिन जब फुलमणी को पता चलता है कि कोठे में क्या काम होता है, वो बड़ा बखेड़ा खड़ा करती है। किसी तरह से उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। रुक्मणी के लिए ये मामूली सी बात है, अक्सर नई लड़कियां ऐसा नाटक करती ही हैं, लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो कोई कस्टमर हाथ से जाने नहीं देती है। जल्दी ही वो भी ये काम सीख जाएगी। इसी दौरान कोठे में बिल्डर गुप्ता आता है। शहर में सभी उसे जानते हैं। कोठे का पुराना मालिक रुक्मणी को बतलाता है कि उसने गुप्ता जी को यह घर बेच दिया है। अब इस घर के नए मालिक गुप्ता जी हैं, किराया वही वसूलेंगे। जब गुप्ता यहाँ मौजूद था, उसी समय फुलमणी के कमरे की कुंडी खुल गई और वो भागकर कोठे की ऊपरी मंजिल में चढ़ गई। लगता है कूदकर आत्महत्या करना चाहती है। तमाशा देखकर भीड़ नीचे जमा हो गई, पर किसी तरह उसे नीचे कूदने से रोक दिया गया। अगर मर जाती तो रुक्मणी के माथे बड़ा पाप चढ़ जाता। शुक्र है कि टुंगरुस ने उसे बचा लिया। असल में गुप्ता इस कोठे को तोड़कर यहाँ एक मॉल बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में वो रुक्मणी बाई से मिलने आया था, पर कोठे में हो रहे हंगामे के बीच उससे बात नहीं कर पाया। लेकिन कोठे से जाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने शहर की महिला कल्याण समिति नारी निकेतन की अध्यक्ष शांति देवी तक ये खबर पहुँचा दी।
कि रुक्मणी बाई के कोठे में एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती रखा गया है। असल में गुप्ता, शांति देवी और शहर के मेयर अग्रवाल एक दूसरे से मिले हुए हैं। शांति देवी कोठा खाली कराने में गुप्ता की मदद करेगी। बदले में शांति देवी के दामाद को मॉल में कुछ दुकानें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ अग्रवाल गुप्ता के कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिलाएगा। बदले में गुप्ता अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराएगा और अग्रवाल के गिरवी मकान की जमानत हो जाएगी। अगले ही दिन शांति देवी रुक्मणी के कोठे में धरना देने पहुंच जाती है। वो तो किसी भी हाल में कोठा बंद करवाना चाहती है। हालांकि उसके पास उन लड़कियों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं है जो यहाँ काम करती हैं। वैश्याएं पूछती भी है कि ये काम नहीं करेंगी तो फिर खाएंगी क्या, पेट कैसे पालेंगी। पर शांति देवी के पास केवल नैतिकता का लेक्चर देने के सिवाय फिलहाल कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब शांति देवी कोठे में उस नाबालिग लड़की को ढूंढ रही है, उसके साथ आया एक कार्यकर्ता कोठे की एक लड़की के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, जिससे बाद में हंगामा करके पकड़ लिया जाता है और फोटोग्राफर रामगोपाल उसकी तस्वीर खींच लेता है। शर्मिंदा होकर शांति देवी को वहां से जाना पड़ता है। आज गुप्ता के घर में किसी तरह का प्रोग्राम है। इसमें गाने बजाने का काम उसने रुक्मणी बाई को दिया है। जब यहाँ जीनत गाना गाती है, अग्रवाल का लड़का सुशील जीनत का दीवाना हो जाता है। अपने बाप से पैसे मांगकर उस पर लुटाता भी है। कहता है कि आज तक उसने जीनत जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब रुक्मणी अपनी पूरी मंडली लेकर वापस लौटती है, रात को अग्रवाल का लड़का सुशील जीनत से मिलने कोठे में पहुंच जाता है। लेकिन जीनत के कमरे के अंदर रुक्मणी को हंगामा करते देखकर वहीं बाहर रुक जाता है। कमबख्त फोटोग्राफर और हवलदार पूरी कोशिश में थे कि आज अपनी मन्नत पूरी कर लेंगे। फोटोग्राफर जीनत की तस्वीरें खींचना चाहता है, जबकि हवलदार उसकी नथ उतारना चाहता है। आखिरकार जब रुक्मणी दोनों को कमरे से निकाल देती है, तब मौका पाकर सुशील कमरे के अंदर आ जाता है। फिर जीनत को पैसे देता है और उसके साथ समय गुजारने की मांग करता है, पर जल्दी ही वो भी रुक्मणी के हाथों पकड़ लिया जाता है। अब रुक्मणी सुशील को कोठे से निकाल देती है और पैसे वापस कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो फिर से मौका पाकर इमारत की दीवार चढ़कर जीनत के कमरे में आ जाता है। जीनत एक वर्जिन है और अग्रवाल का लड़का भी। दोनों के लिए ये पहली बार होगा, पर इससे पहले कि उनमें प्यार होता, यहाँ रुक्मणी फिर से चली आती है। इसलिए जीनत सुशील को अपने बेड के नीचे छुपा देती है। रात भर बेचारा जीनत के पलंग के नीचे ही लेटा रहा। उस रात रुक्मणी जीनत के साथ ही सोई थी, इसलिए उन दोनों को मौका नहीं मिल सका। लेकिन जब सुबह रुक्मणी उठती है तो देखती है कि अग्रवाल का लड़का पलंग के नीचे लेटा हुआ है। लेकिन शुक्र है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सका, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता, एक बड़ा पाप हो जाता। आज इतना ही काफी नहीं था। उस शाम कोठे में नई लाई गई लड़की फुलमणी ने अपनी कलाई काट ली। कल रात उसे जबरदस्ती धंधे में लगाया गया था, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने के चक्कर में कोठे की पूरी लड़कियों को पुलिस ने उठा लिया। इसके बाद तो कोठे को खाली करने की आवाज शहर में और जोर से उठने लगी। अग्रवाल को ना चाहते हुए भी कोठा खाली करने के म्युनिसिपल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना पड़ा। रुक्मणी बाई के उस पर बड़े उपकार थे। रुक्मणी ने उसके एक बड़े राज को अपने अंदर दबा कर रखा था। अगर ये राज खुल गया तो सारी मेयरगिरी निकल जाएगी। अग्रवाल अपनी उतरी हुई शक्ल लेकर कोठे पहुंचता है। हालांकि उसने सारी लड़कियों की जमानत करा दी, फुलमणी वाला मामला पुलिस में सेटल भी करा दिया और उसे नारी निकेतन को सौंप दिया, पर चाह कर भी कोठे को नहीं बचा पाया। आज से बहुत साल पहले अग्रवाल रिहाना नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में था। एक दिन वो गर्भवती हो गई, उसने एक लड़की को जन्म दिया। जीनत उसी की बेटी है। रुक्मणी ने बचपन से ही जीनत की देखरेख कर उसे बड़ा किया है। रुक्मणी का यही उपकार अग्रवाल के सिर पर है। एक तरह से देखा जाए तो जीनत और सुशील एक ही बाप की औलादे हैं। यही वजह है कि रुक्मणी जीनत को उससे दूर रखना चाहती थी। यहाँ से जाते जाते अग्रवाल रुक्मणी को 25,000 रुपये देता गया और साफ साफ ये कह दिया कि अब वो कोठा खाली होने से नहीं रोक सकता है, ये उसके बस से बाहर की बात है। बाद में गुप्ता ने भी रुक्मणी को कोठा शांति से छोड़कर चले जाने के लिए 51,000 रुपये का ऑफर दिया। साथ में ये आश्वासन भी दिया कि उन्हें एक अच्छी सी जगह में सेटल भी कराएगा। मजबूरी में रुक्मणी को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। उसे अपनी सारी लड़कियों को लेकर वहां से जाना पड़ा, लेकिन टुंगरुस वहां से नहीं जाना चाहता है। इसलिए रुक्मणी ने उसे कुछ पैसे दे दिए और अपना सारा सामान वहां से शिफ्ट कर लिया। टुंगरुस बड़ा खुददार आदमी है, लेकिन उतना ही मजबूर भी है।
जब सभी कोटे से नई जगह चली जाती हैं, वह अकेले में बड़बड़ाता है कि क्या वो कोई भिखारी दिखता है। उसे लड़कियों को बेचकर कमाए गए पैसे नहीं चाहिए। वो ऐसे पैसों पर थूकता है। इन पैसों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं। वो इन पैसों से शराब पीकर मौत देगा। लेकिन अगले दिन जब नशा उतरता है, वापस रुक्मणी को ढूंढते हुए उस नई जगह पर पहुंच जाता है। ये नई जगह वही वीरान और बंजर जगह है जिसे गुप्ता ने कौड़ियों के भाव खरीदा था। ये नई जगह तो बंजर थी, इमारत टूटी फूटी थी, लेकिन गुप्ता ने इसके मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। एक बार तो लगा था कि सारी लड़कियां यहाँ भुखमरी से मर जाएंगे, कोई कस्टमर उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन एक फकीर ने रुक्मणी को बाबा खड़क शाह से मन्नत मांगने की सलाह दी। रुक्मणी ने पहले तो कोठे के लिए बरकत मांगी, फिर जीनत और सुशील के अलग होने की बात की, और बोलते बोलते ये भी कह दिया कि वो उसकी शान में यहीं पर चबूतरा बनवाएगी, भले उसे यहाँ से जाना ही क्यों ना पड़े। हालांकि वो बाद में अपनी बात ठीक करते हुए कहती है कि ये जगह ना छोड़नी पड़े। लेकिन फकीर कहता है कि एक बार जो मांग लिया सो मांग लिया, अब यही होकर रहेगा। देखते देखते ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है, कोठे की नई इमारत खड़ी हो गई है। बाबा खड़क शाह के मजार का भी कायाकल्प हो गया। कोठे का धंधा जोरों पर है, शहर से काफी लोग यहाँ आने जाने लगे हैं। एक कोठे ने अगल बगल की सारी इकोनॉमी चमका दी है। गुप्ता ने आसपास ढेरों दुकानें बनवा दी और इनकी नीलामी करके काफी पैसे भी बनाए। गुप्ता ने यह सारी बरकत पहले ही देख ली थी, इसलिए बड़ी योजना के तहत इस बंजर जमीन को खरीदा था, फिर शहर में कोठा बंद करवा के यहाँ लगवा दिया। इसके बाद शहर में उसी जगह पर मॉल बनवाकर पैसे कमाए और अब यहाँ भी दुकानें बेचकर पैसे बना रहे हैं। पुराना कोठा छोड़ने से पहले सुशील ने जीनत को एक चिट्ठी लिखी थी कि वो उससे प्यार करता है। क्यों तुम सोने के पंछी की तरह पूरी जिंदगी इस पिंजरे में गुजारना चाहती हो? हर ऐरे गहरे की पलंग क्यों सजाना चाहती हो? जिंदगी को एक खूबसूरत सपने की तरह जीना चाहिए, सपने को सजाना चाहिए। आज तुम्हारे लिए एक सपना लेकर आया हूँ। ये बात आज भी जीनत को परेशान करती है। उसे लगने लगा है कि रुक्मणी बाई केवल उसका फायदा उठाना चाहती है, इसलिए पूरे जीवन यहाँ उसे कैद करके रखेगी। आजकल वो सीधे मुंह रुक्मणी से बात भी नहीं करती है। इस बात पर रुक्मणी बड़ी परेशान है, इसलिए इसकी शिकायत अग्रवाल से करती है कि जीनत हाथ से निकल रही है, वो अपने बेटे को कंट्रोल में रखे। उसका बेटा आजकल उसके बड़े चक्कर लगाता है। अग्रवाल के लिए तो ये बड़ी समस्या वाली बात है, दोनों उसी के संतान हैं। ये बात कहीं खुल गई तो पूरे शहर में नाक कट जाएगी। घर जाने पर अग्रवाल अपने बेटे को बड़ा कोसता है कि उसे इश्क लड़ाने के लिए केवल जीनत ही मिली थी। इधर रुक्मणी ने भी जीनत को ये राज बतला दिया कि सुशील उसका भाई है और वो अग्रवाल की बेटी है। अगर इसके बाद भी उसे उसके पास जाना है तो शौक से मरे। एक रात जीनत देखती है कि एक फकीर तोते को पिंजरे से आजाद करने की कोशिश कर रहा है। तब वो पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है। तब फकीर कहता है कि इसे आजाद कर रहा हूँ, शायद पिंजरे की जिंदगी से उकता गया हो, आसमान में उड़ना चाहे शायद। तब जीनत पूछती है कि पिंजरे के बाहर जिंदा रह सकेगा। तब फकीर कहता है कि पिंजरे के अंदर भी तो मरेगा एक दिन, उड़ने की कोशिश में अपनी पहचान पा जाए शायद। तब जीनत कहती है कि ये सब किसे सुना रहे हो। तब फकीर कहता है कि किसे सुना सकता हूँ, कोई है जो सुनेगा। फकीर के जाते ही थोड़ी देर में वहाँ सुशील आ धमकता है और जीनत को अपने साथ भगाने की बात करता है। जीनत ने भी ये जानते हुए कि वे दोनों एक ही बाप की औलादे हैं, बिना कुछ सोचे उसके साथ भाग जाती है। लेकिन उन्हें भागते हुए हवलदार ने देख लिया। पूरे कोठे में हंगामा हो गया कि जीनत भाग गई है। थोड़ी देर में वहां सुशील का बाप अग्रवाल भी आ पहुंचा। अगर उसका बेटा भाग गया तो गुप्ता उसे नहीं छोड़ेगा, उसका घर भी बिक जाएगा, इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। एक तरफ सुशील और जीनत भाग रहे हैं, दूसरी तरफ रुक्मणी और अग्रवाल उनका पीछा कर रहे हैं। जीनत ये जानते हुए भी कि सुशील उसका भाई है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती है। लेकिन उसके दिमाग में तो कल फकीर की कही बात घूम रही है कि उड़ने की कोशिश में पंछी शायद अपनी पहचान पा जाए। वो भी रुक्मणी के पिंजरे से आजाद होना चाहती है। उसके पास यही एक मौका है। जब भागते हुए मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाती है, जीनत दौड़ते हुए वहां से भागने लगती है। पत्थरों को पार करते आगे कहीं दूर निकल जाती है। सुशील भी उसे पकड़ नहीं सका। सुशील तो उसके लिए एक सीढ़ी जैसा था जिसने जीनत को रुक्मणी के किले से निकलने में मदद भर की। आगे का रास्ता वो खुद तय करेगी। भले ही सुशील का दिल टूट गया हो, पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। अनजाने में उससे बड़ा पाप होने जा रहा था।
जिन्नत के जाने के बाद रुक्मणी बाई में वो बात नहीं रह गई। रोने धोने और विलाप करते रहने से कोठे में उसकी पकड़ कमजोर हो गई। इसका फायदा उठाकर कोठे की एक दूसरी काबिल लड़की ने रुक्मणी को उसके खुद के बनाए कोठे से बाहर कर दिया। अब बेचारी रुक्मणी वहां से निकाल दी गई। उसने बाबा कड़कसा से जो जो मन्नतें मांगी थी सब एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। पहला कि उसके कोठे को बरकत मिली, दूसरा कि जिन्नत और सुशील अलग हो गए, और तीसरा कि उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। हालांकि तीसरी मन्नत उसकी जुबान से गलती से निकल गई थी, लेकिन आज डुंगरुस के साथ वापस लौटते वक्त उसे एक बार फिर से फकीर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो उसे नई राह दिखला रहा है। तभी उसे अपनी तरफ भागती हुई एक लड़की दिखती है। ये तो फुलमनी है जो नारी निकेतन से भागकर उसी की तरफ आ रही है। उसके तो भाग्य जैसे खुल गए। नया कोठा खोलने के लिए एक लड़की ही काफी है, अब तो बरकत ही बरकत होगी। रुक्मणी इसी जगह कोठा बनाएगी। कोठा समाज का एक ऐसा अंग है जिसे कितना ही काट कर फेंक दिया जाए हमेशा उग ही आता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।